नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। झांसी मेडिकल कॉलेज के NICU में बीती रात जो आग लगी उसमें 10 नवजात की मौत हो गई, जिंदा जलकर मौत हो गई। हालांकि अगर आप इस घटने की तह तक जाएंगे और तस्वीरें भी आप देखेंगे, ये तस्वीरें जो हैं वो बेहद झकझोर देने वाली है। लेकिन एक हल्की सी राहत यहाँ पर ये रही कि 39 बच्चे जो और थे वहाँ पर, उन सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हल्के फुल्के झुलसे हैं, लेकिन उनका इलाज वहां पर किया जा रहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ जहां जांच पड़ताल की बात कही जा रही है, तीन अलग अलग लेवल पे यानी त्रिस्तरीय जांच की बात यहां पर कही जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अब इस पूरे हादसे को लेकर साल 2017 में जो हादसा घटा था उसके साथ इसका जिक्र किया जा रहा है। दरअसल गोरखपुर में ठीक इसी तरीके से घटना सामने आती है। हालांकि वहां आग नहीं लगती है बल्कि ऑक्सीजन सप्लाई कम और साथ ही साथ कई केस में यहां पर ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने के कारण 60 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी, जिसे लेकर एक बार फिर से इस घटना के बाद वो यादें ताजा हो चुकी है और इस पर अखिलेश यादव ने बकायदा ट्वीट किया और सरकार को घेरने की कोशिश की। पंकज सर भी हमारे साथ है, वो भी आपको एक एक डिटेल बताएंगे। पंकज सर, आज ये हादसा हुआ, लेकिन इस हादसे के साथ साथ 7 साल पहले की उस घटना को एक बार फिर से उजागर कर दिया गया, कहीं ना कहीं उसकी यादें ताजा हो गई। इस पूरे मामले पर हालांकि राजनीति नहीं करनी चाहिए, अपनी शोक संवेदनाएं जरूर देनी चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव ने ट्वीट करके उस हादसे के भी जख्मों को आखिर एक बार फिर से ताजा कर दिया। निश्चित रूप से ये जो है सो पूरे देश, ये सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, पूरे देश का वो जो गोरखपुर कांड था, पूरे देश का जख्म ताजा हो गया है और हर जगह शोक संवेदनाएं, जिनके न्यू बॉर्न बेबी जो इतने इसके बाद वो आए हैं और बेहतर इलाज के लिए उनको अस्पताल में रखा गया है और वो आग में झुलस के उनकी मौत हो जाती है, तो आप इससे बड़ा कोई हादसा हो नहीं सकता है। और ये जो भी इसके आरोपी हैं या जो भी दोषी हैं उस पे तो कार्रवाई होगी ही, ये तो मतलब पता है। लेकिन है जो ऐसे हादसे होते क्यों है और सरकार इसके लिए कि जब हादसे हो जाते हैं उसके बाद जांच और ये उससे क्या क्या मतलब सुधरने वाला है और क्या होने वाला है, जिसके परिजन जिनके बच्चे गए, क्षति कहीं से भी पूर्ति नहीं हो सकती है, क्षति की आप पूर्ति कैसे करेंगे? बिल्कुल। तो देखिए सरकारों का ये काम है, जो कमेटी का गठन कर दिया, कमेटी का रिपोर्ट आएगा, हमारी और आपकी याददाश्त भी कमजोर है, 2-6 महीने के बाद हम भूल जाएंगे और फिर जब अगला ये हादसा इस तरह का कोई हादसा होगा तो फिर हम उसका जिक्र करेंगे। हम देखिए हमारी जो है ना, हमारी और हमारी सरकार की, हमारी मतलब सरकार की, बिल्कुल, और सरकार मतलब हमारी संवेदनाएं जो है ना वो हमारी मरती जा रही है, बस हम जो है सो हाँ होगा ये कर लेंगे, कैसे हम उसको रोक सकते हैं, कोई भी अगर घटना होती है तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर उठा सकते हैं। जिस समय ये होता है, हादसा होता है, उस समय हाय तो वाह मचता है, फिर ठाक के तीन पात, फिर सब भूल जाते हैं, फिर अपने अपने और फिर उसी ढर्रे पे जीवन, और फिर कहीं कोई घटना घटती है फिर उसके बाद सरकार पर सवाल उठते हैं। गौरव भी हमारे साथ जुड़ेंगे। गौरव, ये जो हादसा हुआ है इसकी जितनी निंदा की जाए प्रशासनिक स्तर पर, अस्पताल के व्यवस्थाओं के स्तर पर, वो उतनी कम होगी, क्योंकि हम सुबह से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम तक जो भी जानकारियां हमारे संवाददाताओं के जरिए पहुंच रही है उसमें सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस शॉर्ट सर्किट का दावा किया जा रहा था वैसे तो कोई चीज है ही नहीं। चश्मदीदों का साफ तौर पर कहना है कि वो एक नर्स थी वहां पर जो कि वार्ड में मौजूद थी, वो ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई ठीक तरीके से हो रही है नहीं हो रही है उसे चेक करने के लिए, पाइप को फिक्स करने के लिए माचिस के तीली से जलाकर उसको चेक किया गया। NICU एक ऐसा सेंसिटिव वार्ड होता है, न्यूबॉर्न बेबीज को वहां पर रखा जाता है, माचिस का क्या काम है? ये तो काफी ज्यादा सोचने पर और हैरान करने पर ये मजबूर कर रहा है। पहले की हम इस बात का, इससे पहले आप लोग जिक्र कर रहे थे वो 2017 वाला जो समय था वो गोरखपुर ऑक्सीजन का है, मैं आपको बता दूं कि 10 अगस्त का समय था, ताजा तरीन योगी सरकार बनी थी, सत्ता में आई, 5 महीने बस हुए थे, मात्र 5 महीने हुए थे और आते ही योगी जो योगी आदित्यनाथ है वो पूरे अपने तेवर में थे, एकदम पूरा वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दुरुस्त कर रहे थे, जो भी व्यवस्थाएं थी वो सारी सुधारने का प्रयास कर रहे थे, लगातार एक आदेशों का दौर चल रहा था। उसी बीच उनके जो संसदीय क्षेत्र थी गोरखपुर, वहां 10 अगस्त की समय 63 बच्चों की ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से मौत हो जाती है और 60 में 18 वयस्क भी जो होते हैं उनकी भी मौत होती है। देखिए वो बड़ी घटना थी, उसके बाद से डॉक्टर कपिल खान जो उसके मुख्य आयुक्त थे, जो उनको अपराधी आरोपी बनाया गया था, उनपे बड़ी कार्रवाई हुई, 500 दिनों के लिए निलंबन झेलना पड़ा, कई दिनों तक वो जेल में रहे, लेकिन वो घटना बीत चुकी है। आज अगर ये घटना झांसी वाला नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव को वो घटना याद आती। हम आते हैं झांसी वाले कांड पे, रात 10:30 बजे। एक मिनट आपको पहले रोकना चाहूंगा, अब ये बताइए 5 साल हो गए उस घटना को, तकरीबन 7 साल हो गए, तो 7 साल में हमने क्या सीखा, 7 साल में हमने क्या किया,
फिर तो घटनाएं दोहराई गई। देखिए तो देखिए है क्या ना, जो मैंने शुरुआत में इसलिए कहा, जो जब हम अगर कोई इस तरह का वारदात होता है, कोई कोई घटना होती है इस तरह का, तो हम पूरा एक्टिव हो जाते हैं, जांच और ये सब कुछ होता है, तामझाम सब होता है, सुख संवेदनाएं होते हैं, मुआवजा भी दे दिया जाता है, लेकिन ये जो घटना है हादसे, लेकिन उस क्षति को कोई नहीं भरपाई कर सकता, उसकी कोई नहीं भरपाई कर सकता। नेग्लिजेंस का है ना, देखिए नेग्लिजेंस का है, इसको आप ह्यूमन एरर नहीं कर सकते, जो यहाँ हादसा हुआ है नेग्लिजेंस है, सीयर नेग्लिजेंस है। देखिए तो इस तरह किसी भी जब अस्पताल, जैसे वो मेडिकल को, झांसी मेडिकल जो हमारा कॉलेज मेडिकल कॉलेज है, जब अस्पताल का कोई अस्पताल होता है तो उसकी एक एसओपी होती है, वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर होता है, वहाँ पूरी एक व्यवस्थाएं बना जाती हैं कि इस आपात समय में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। आप देखिए कि किस प्रकार की उदासीनता है वहाँ की व्यवस्था को लेकर, जो अस्पताल प्रशासन की व्यवस्था, जो मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे, किस प्रकार से वो लोग उदासीन है अपनी व्यवस्थाओं को लेकर कि उस पूरे वार्ड में इतना NICU टेक्नीशियन का होना चाहिए, वो काम वहाँ की एक नर्स कर रही है, कि वो जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है उसको जोड़ने का काम कर रही है कि ऑक्सीजन सप्लाई। देखिए ये कहीं ना कहीं है कि जो लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है अस्पतालों में, उसकी भी कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी हो सकती है, कि जो लोगों के ऊपर एक ओवरलोड बढ़ गया है, क्योंकि ये काम नर्स का नहीं है, नर्स का काम है कि वो सिर्फ मरीजों की देखभाल करती है। वहाँ कोई सीनियर डॉक्टर भी नहीं था, वहाँ कोई सीनियर डॉक्टर, 10:30 की रात ही घटना है, उसके बाद देखिए उसके जस्ट बगल में ही सारे डॉक्टर का रेजिडेंस है, सारे आवास के जितने भी डॉक्टर रहते हैं सारे वहीं रहते हैं। ये भी कहना है कि लगभग 8:30 के आसपास कोई एक डॉक्टर आए थे, उन्होंने आखिरी राउंड लगाया और फिर वो चले गए वहाँ से, मतलब उन्होंने इतना भी नहीं देखा होगा अंदर कि कौन है, बच्चे ठीक तरीके से हैं या नहीं है, यानी पूरी हिलाहवाली, पूरा सिस्टम, अस्पताल का सिस्टम, जो ऑक्सीजन सप्लाई है और ये जितना भी चीज है वो दुरुस्त है नहीं है क्या है। तो देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें एक मॉनिटरिंग होती है, हर दिन सवेरे टेक्नीशियन आता है, फिर रात में आता है 2-3 बार, वो ना सिर्फ बच्चों को, देखिए बच्चों को देखने के लिए डॉक्टर आता है, लेकिन टेक्नीशियन क्या होता है वो ट्रिप, मतलब वो भी अपना शेड्यूल पे राउंड लगाते रहता है और देखते रहता है जो क्या स्तर है और क्या क्या लेवल है, ऑक्सीजन का लेवल क्या है और सप्लाई क्या है। लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी है कि इस हादसे के बाद ना सिर्फ गोरखपुर वाला हादसा, हालांकि ये यूपी से जुड़ा हुआ है इसलिए गोरखपुर को जोड़ा जा रहा है, लेकिन अगर आपको याद हो जून के महीने में भी ठीक इसी तरीके से दिल्ली में आग लगी थी जिसमें 6 बच्चे झुलस गए थे, वो भी नवजात थे। मतलब आप समझिए कि हमारे आसपास इतने अंतराल में ऐसी घटनाएं होती है, लेकिन हम जरूरत नहीं करते कि हम स्टैंडर्ड्स देखें या सेफ्टी कंसर्न देखें। ये बात सिर्फ गोरखपुर और उत्तर प्रदेश की नहीं है, झांसी की नहीं है, ये हमारे पूरे देश की यही गाथा है और इस तरह के होते रहते हैं। और अच्छे देश की नहीं, हम लोग की है, हम लोग का मिजाज ही कुछ ऐसा है, जो हो जाता है उस समय में कर लो भैया, उसके बाद फिर भूल जाओ, चाहे वो सरकार के लेवल पे हो। एक चीज जो अभी अखिलेश यादव के ट्वीट को लेकर नया विवाद छिड़ा कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं। देखिए राजनीति, मैं समझ रहा हूँ कि राजनीति होगी, क्योंकि राजनीति होगी क्योंकि मामला ही ऐसा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं बृजेश पाठक, आपने देखा होगा कि जब से एक प्रकार से चुनाव का बिगुल बजा है, वो महाराष्ट्र दिखाई देते हैं, झारखंड दिखाई देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसी मेडिकल कॉलेज में दिखाई नहीं देते हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? मैं बता, आप आएंगे, आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि हमारे जब से मैं मंत्री बना हूँ तब से मेडिकल कॉलेज कितनी सीटें बढ़ गई, ये व्यवस्था इस जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने 40 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हो चुका है। प्रोसेस में कितने हैं, कहा कितने पढ़ाइयां शुरू हुई हैं, देवरिया में इन्होंने मेडिकल कॉलेज की शुरुआत लोकार्पण करा था 2017 के तुरंत बाद, स्टार्ट कब हुआ। देखिए कागजों में आप बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, जमीनी हकीकत कुछ अलग है। लेकिन और मुझे लगता है कि ना सिर्फ क्या है, तो आप मीडिया में आके आप बाइक दे सकते हैं मेडिकल कॉलेज, लेकिन वो मंत्रियों तक, चलिए मैं समझ रही हूँ एक बात, लेकिन उन अधिकारियों की भी तो जवाबदेही तय करनी चाहिए ना। कि देखिए सुबह से हालांकि हम लोगों तक जानकारी पहुंच रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कई ऐसी तस्वीरें भी हमने दिखाई, और कुछ ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर हैं जो कि साल 2023 में एक्सपायर्ड हो चुके हैं, उनका स्टेटस रिपोर्ट नहीं चेक किया गया है, फरवरी के महीने में ऑडिट किया गया था और उसके बाद जून के महीने में भी एक बार मॉक ड्रिल होनी थी, वो भी नहीं किया गया। उसके बाद कुछ ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर है कि वो साल 2020 के बाद रिफिल ही नहीं किए गए, मतलब लापरवाही की सीमा अपने चरम पर है। यानी अधिकारी एक तो अपने स्तर पे झूठ बोल रहे हैं, गलत रिपोर्ट दे रहे हैं और उसी के आधार पर सरकार भी चल रही है। सिर्फ जो सरकार जो चल रही है तो सिर्फ मंत्री नहीं चलाते, मंत्री के नीचे कई लेवल के अधिकारी, लेकिन वही उन्हीं अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए, अधिकारियों की जवाबदेही होती है जो कहां से रिपोर्ट आया कहां नहीं आया,
जो सचिव, जो स्वास्थ्य सचिव होंगे प्रदेश के या जो भी लेवल के अधिकारी होंगे, तो उनका एक जिम्मा होता है वो करे। तो चूंकि जब ऊपर से अगर राजा ही, जैसे गौरव बता रहे थे, जैसे ब्रजेश पाठक अपने धुन में लगे हुए हैं, अब उनका सिर्फ मुहिम है जो ये जो उपचुनाव है, उपचुनाव को कैसे जीता जाए, जितने राज्यों में विधानसभा चुनाव है उसमें हम कैसे करें, तो जब आपका फोकस चेंज हो जाता है तो फिर इस तरह की कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति नजर नहीं आ रही है। ब्रजेश पाठक को मंत्रालय दिया गया, इससे पहले कानून मंत्री थे, अब इस बार उनको डिप्टी सीएम बना के उनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। लेकिन देखिए, इच्छा शक्ति नजर आनी चाहिए। ये पहली दफा नहीं, आपने विधानसभा के कार्यवाही के दौरान भी देखा होगा, अखिलेश यादव जब भी सवाल पूछते हैं वो ऐसे लड़खड़ाते हुए नजर आते हैं, वो असहज महसूस करते हैं, उनके बिहाफ पे खन्ना साहब, सुरेश खन्ना खड़े होते हैं, वो जवाब देते हैं। आप बताइए कि इस प्रकार से मंत्री बनाना क्या जायज है? आपको जब समझ नहीं था और कहीं ना कहीं ब्रजेश पाठक के साथ जो सियासी गणित है, ब्रजेश पाठक सवर्णों के एक बड़े नेता हैं, और क्या होता है जब सरकार होता है तो सरकार को बैलेंस बनाना होता है, जो सवर्ण को क्या दें, ओबीसी को क्या दें, एससी एसटी को क्या दें। चूंकि देखिए, सरकार का पहला जो होता है, मैं जितना तक समझ पाया हूँ, जो अपने देश में जो सरकार चलाने की व्यवस्था है उसमें कैसे आप चुनाव जीत सकते हो, पहले उसको तय करो, उसके बाद तो बाकी काम तो हो जाएगा, सरकार में रहेंगे तो बहुत काम हो जाएगा, तो उसी की बानगी ब्रजेश पाठक। लेकिन ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, किस कारण किसको क्यों मंत्री बनाया गया ये सब अपनी जगह है, लेकिन झांसी की ये जो हृदय विदारक घटना हुई है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी भी समय है कि जितने भी अस्पताल चल रहे हैं वो अपने स्तर पर भी तो पहले तो तैयारी कर ले, व्यवस्थाएं कर ले, और जरूरी है कि अब से भी सबक लेना चाहिए। देखिए, एक चीज तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार के आप वो रिपोर्ट डेटा देखेंगे, जो ऑफिशियल डेटा जो सरकार रिलीज करती है, तो उसमें सरकार अपनी पीठ थपथपाते नहीं जाएगी, स्वास्थ्य विभाग में हमने ये करा, अभी कुछ दिनों पहले मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इनकी रिपोर्ट कौन दे रहा है, इनका रिपोर्ट निकल कहाँ से रहा है, और ये अधिकारी ले रहे हैं जो रिपोर्ट बनाने का, और ये रिपोर्ट बनाने का प्रोसीजर क्या है, ये क्या मानक क्या तय कर रहे हैं? अगर इनका मानक, अगर इनका मानक सुरक्षा को मद्देनजर रख के नहीं है, जैसा कि बता रही थी कि रिफिल नहीं किया गया, बिल्कुल चार सालों से रिफिल नहीं किया गया, 2012 में एक्सपायर है वो पड़ा हुआ है, तो ये मानक क्या तय होता है कि इनका रिपोर्ट तैयार करने का मानक क्या तय होता है? क्या बस ऐसे डब्बा देख के मानक तय होता है कि हाँ वो पेपर में चला जाता है? देखिए, मानक तय करना और पीठ थपथपाना हर चीज में आजकल चलन में हो गया है। उत्तर प्रदेश में ऐसा लॉ एंड ऑर्डर पे लोग लगातार पीठ थपथपाते हैं, लेकिन आए दिन रोज हत्याएं होती है, लूट घसोट की घटनाएं आती है, रोज चोरी हो रही है। आप देखिए, कागजी कार्रवाई और जमीनी स्तर में बहुत अंतर है। मैंने जो देखा है, जो डेंट पेंट हो जाता है भीतर, क्या व्यवस्था है उस पे, नहीं व्यवस्था को नहीं दुरुस्त करना, बस आप बिल्डिंग को डेंट पेंट आज ही घटना, मैं झांसी का जिक्र कर लू, आप देखिए वहाँ नगर निगम जाके वो सफेद वो छिड़क रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का, तमाम जानकारियां आपने दी, और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी जरूरी है, इसमें जांच पड़ताल के बाद हालांकि एक तरफ कही जा रही है, लेकिन इन सब के बावजूद ये बेहद ज्यादा जरूरी है कि क्या सरकारें, क्या अधिकारी ये जो हादसे तमाम एक के बाद एक कुछ अंतराल के भीतर हम लोगों को देखने मिलते, क्या उनसे सबक लिया जा रहा है, क्या उनके तहत आगे काम किया जा रहा है, या फिर कागजों में कुछ और बात कही जाती है और जमीनी हकीकत पर चीजें जो है वो ठीक विपरीत साबित होती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहे न्यूज स्टेट, नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।